नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने BHU UG PG एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित आपको जानकारी दूँ, उससे पहले BHU एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात की शुरुआत करें यदि BHU UG एडमिशन से, मैं आपको बता दूं, एक बार पुनः याद दिला दूं कि BHU UG एडमिशन से संबंधित सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट की प्रक्रिया कल यानी 18 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो चुकी है, शुरू किया जा चुका है। यह प्रक्रिया जो है BA आर्ट्स, BA सोशल साइंस, BSc मैथ्स ग्रुप एंड BSc बायो ग्रुप के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रक्रिया को करने का जो लास्ट डेट है वह कल तक यानी 20 सितंबर 2023 रात शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो सूचना है वह योग्य कैंडिडेट यानी जिनका एडमिशन हो चुका है और जिन्हें ऑनर्स सब्जेक्ट का ऑनर सब्जेक्ट मिल चुका है, उनके पास उनके स्टूडेंट पोर्टल पर इसकी सूचना भेज दी गई है। आप अतिशीघ्र अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि रिमेनिंग फीस यानी एडजस्टमेंट फीस एंड एडमिट कार्ड यानी एडमिशन लेटर जनरेशन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट प्लस रिमेनिंग फीस के बाद आप अपने सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक करेंगे, तब जा करके आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा या एडमिशन लेटर इशू किया जाएगा। कृपया इसको एक बार आप फिर से समझ लें। जब आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट की प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट एलोकेशन को यानी जो विषय आपको 3 मिल जाते हैं उनको लॉक करने के बाद ही आपको फाइनली एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जनरेट किया जाएगा, जिसको लेकर के आप संबंधित कॉलेज में दिए गए समय पर सभी ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स के साथ सेट के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह प्रक्रिया कुल अलग अलग यानी 17 अलग अलग विषयों में कोर्सेज में शुरू कराया गया है और इसकी जानकारी BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रदान की गई है। मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि यह रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड की जो प्रक्रिया है, एडमिट कार्ड जनरेशन की जो प्रक्रिया है, यह कुल 17 अलग अलग कोर्सेज में शुरू किया गया है, जिसमें 133 यानी कॉमर्स, 135 यानी BSc AG, 137 फैकल्टी ऑफ लॉ, 171 सब्जेक्ट कोड से लेकर के 177 के बीच यानी 171, 172, 173, 174, 175, 176 और 177 जो सब्जेक्ट कोड है, यह सब फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का है। तो इन सारे सब्जेक्ट कोड में रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ 180 और 187 यानी फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में भी यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं सब्जेक्ट कोड 188 और 189 यानी जो वोकेशनल कोर्सेज है इसमें भी यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कोड 192 और 193 यानी BTech एंड फूड टेक्नोलॉजी में भी यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और मैं आज के इस वीडियो की तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रक्रिया है वह जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जारी नहीं किया गया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन लगभग 25 सितंबर 2023 तक जारी होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना मेल आईडी और स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से
चेक करते रहें, साथ ही साथ VHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नियमित रूप से आप विजिट करते रहें। मैं एक बड़ी बात आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, चाहे वो UG एडमिशन हो या PG एडमिशन हो, तो आपका एडमिशन 100% श्योर है। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी ने अपने कमेंट में लिखा है कि हमारे पोर्टल पर यह लिख के आ रहा है, यह लिख के आ रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपका एडमिशन 100% श्योर है। यह बात अलग है कि आपके स्टूडेंट पोर्टल पर कोई मैसेज VHU की तरफ से जाता है, तो आप उसके नियमानुसार निर्देशानुसार आप सभी तरह की प्रक्रिया को पूरा करें। मैं जल्दी से PG एडमिशन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि PG के सारे सब्जेक्ट्स में इस समय लगातार रिजल्ट पब्लिकेशन का कार्य जारी है, लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि PG एडमिशन में जल्द ही रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय सभी कॉलेजेस में इंटरनल कमेटी, जो इंटरनल एडमिशन कमेटी है, उसका गठन कर लिया गया है और बिल्कुल कमेटी तैयार है, जिसके पास आप एडमिशन लेटर जनरेट होने के बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यह बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सेट फोटो स्टेट आपके पास होना चाहिए। और जब आप रिपोर्टिंग संबंधित कॉलेज में करेंगे, तो कॉलेज से संबंधित और भी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उस समय प्रदान की जाएंगी। अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मात्र 14 ऐसे सवाल लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया, और मैंने उन्हीं लोगों के सवालों को लिया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का नाम लिखा है। पहला सवाल लेते हैं, और पहले सवाल में बहुत सारे विद्यार्थियों ने PG एडमिशन के बारे में जानना चाहा है, जानकारी लेना चाहा है। मैं बता दूं कि PG के सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो MA हो, चाहे MSc हो, चाहे MCOM हो, चाहे LLM हो, चाहे MEd हो, जितने भी, चाहे MBA हो, चाहे जितने भी अलग अलग तरह के PG के कोर्सेज हैं, उन सभी में एडमिशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, अपने अंतिम दौर में है। इसलिए आप सभी लोग अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल ID को आप नियमित रूप से चेक करें। मैं उदाहरण स्वरूप यदि आपको बताऊं तो PG एडमिशन में साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजी में चौथा राउंड चल चुका है, और साइकोलॉजी में कैंपस प्लस सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो लगभग फुल हो चुकी हैं। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी 5 से 6 राउंड चलाया जा चुका है, लेकिन अभी खास तौर से एफिलिएटेड कॉलेजेस में 25 से 30 सीटें अभी भी खाली हैं। बात इकोनॉमिक्स की करें तो इसमें भी 4 से 5 राउंड कराया जा चुका है, लगभग सीटें हर जगह फुल हो चुकी हैं। बात पॉलिटिकल साइंस की करें तो पॉलिटिकल साइंस में भी 4 से 5 राउंड चलाया जा चुका है, सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी 5 से 6 रेगुलर राउंड चलाया जा चुका है, लेकिन इसमें अभी कुछ सीटें, यानी 25 से 30 सीटें एफिलिएटेड कॉलेजेस में अभी भी खाली हैं। यानी BHU मेन कैंपस में सारे सब्जेक्ट्स की लगभग जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। मैं एक बड़ी बात इसके साथ आपको बता दूं कि सभी कॉलेजेस में लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं, या एक एक कॉलेजेस में 8 से लेकर के 10 सीटें जो बाकी हैं तो वो तो है ही हैं, लेकिन इन सीटों के भरने के बावजूद भी किसी भी कॉलेज में, खास तौर से एफिलिएटेड कॉलेजेस में, 10% से भी कम बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट को लॉक किया हो, यानी अपने एडमिशन को, अपने सब्जेक्ट एलोकेशन को 10% से भी कम विद्यार्थियों ने लॉक किया है। इसका मतलब यह है कि सभी कॉलेजेस में सीटों की संख्या घट और बढ़ सकती है, यानी यह कोई श्योर नहीं है कि जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, जिन लोगों ने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, वे लोग उस कॉलेज में
पढ़ेंगे ही, यानी यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि वे अपना एडमिशन वहाँ पर श्योर रखेंगे या कैंसिल कराएंगे या उनका अपग्रेड होगा, तो इस आधार पर सीटों के घटने और बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि जब तक रिमेनिंग फीस आप जमा नहीं करेंगे और अपनी सीट को आप लॉक नहीं करेंगे, तब तक आपको एडमिशन लेटर या एडमिट कार्ड जनरेट नहीं किया जाएगा और तब तक आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि रिमेनिंग फीस प्लस एडमिशन लेटर या एडमिट कार्ड जनरेशन की जो प्रक्रिया है वह 25 सितंबर 2023 तक किसी भी कीमत में विश्वविद्यालय के तरफ से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो कुमार गौरव जी बोकारो झारखंड से और महक जी मुंबई महाराष्ट्र से जानना चाहती हैं कि सर एडमिट कार्ड जनरेट होने के कितने दिन बाद हम लोग संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को दूर से आना है, रिजर्वेशन जल्दी नहीं मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप दूर से आ रहे हैं या आप नज़दीक से आ रहे हैं, इस कंडीशन में एडमिशन लेटर जनरेट होने के बाद काफ़ी समय आपको रिपोर्ट करने के लिए मिलता है। आप हफ्ते 10 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका एडमिशन हो गया है और यदि आप रिपोर्ट 2-4 दिन देरी से भी करते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं होती है। समस्या सिर्फ ये होती है कि जितना ही जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी जो है आप कॉलेज से संबंधित जो प्रक्रिया है वो पूरा कर पाएंगे और आपकी जो क्लासेस चलने वाली होगी आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और क्लासेस इत्यादि चलने के लिए यानी क्लासेस करने के लिए आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है। वैसे आप 1-2 दिन बाद भी रिपोर्टिंग करेंगे तो इससे आपके एडमिशन की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं आलोक शुक्ल जी चंदौली उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर लैंग्वेज एंड एंसिलरी का जो निर्धारण है, जो सिलेक्शन है, वह BHU अपने तरफ से करेगा या खुद कैंडिडेट को करना पड़ेगा। देखिए, लैंग्वेज और एंसिलरी का निर्धारण BHU अपने द्वारा नहीं करेगा। BHU सिर्फ आपको ऑनर सब्जेक्ट का निर्धारण करेगा, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट है वो करेगा, रिमेनिंग फीस आप से जमा कराएगा और साथ ही साथ आपका एडमिशन लेटर या एडमिट कार्ड जनरेट करने के बाद आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद कॉलेज के द्वारा जो लैंग्वेज है वो प्लस एंसिलरी का निर्धारण किया जाएगा। या BA आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सॉफ्ट स्किल का निर्धारण संबंधित कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। वहीं पर प्रिया जायसवाल जी उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर PG में हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया का जो कसौटी है, जो नियम है, वो क्या है। देखिए, किसी भी कॉलेज में हॉस्टल अलाटमेंट जो है वह आपके इंडेक्स के आधार पर किया जाता है और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके घर से BHU की या संबंधित कॉलेज की दूरी कितनी है। ये दो महत्वपूर्ण कसौटी है जिसके आधार पर हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वहीं रोड स्वराज बीड महाराष्ट्र से जानना चाहते हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट मेरे यहाँ सिर्फ मराठी भाषा में ही बनाया जाता है, हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बनाया जाता, तो मैं क्या करूँ। देखिए, अगर आपके यहाँ सिर्फ लोकल भाषा में यानी मराठी भाषा में इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको लेकर के आप संबंधित कॉलेज में जमा कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं पर निशांत जी पंजाब से जानना चाहते हैं, साथ ही साथ दीपिका यादव जी उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर UG और PG की क्लासेस कब से चलेंगे। देखिए, UG और PG की क्लासेस मुझे नहीं लगता कि इस महीने से चलेंगे, क्योंकि लगभग 10 दिन का समय इस महीने में है और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो एडमिशन संबंधित वो बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होते होते यह महीना बीत जाएगा। तो आप मोटी मोटा यह मान के चलिए कि UG और PG दोनों की क्लासेस अक्टूबर 1st वीक से ही चल पाएंगी। वहीं पर अंजू पांडे जी उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर बिना सब्जेक्ट लॉक किए क्या हम लोगों को एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जनरेट होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप UG में हो चाहे PG में हो, जब तक आप अपने सब्जेक्ट को लॉक नहीं करेंगे तब तक आपको एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जनरेट नहीं होगा।
वहीं पर रागिनी शर्मा जी जहानाबाद बिहार से जानना चाहती हैं कि सर बीएससी एजी में कितनी सीटें खाली हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। देखिए किसी भी यूजी के कोर्सेज में कितनी सीटें खाली है बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट प्लस रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी सीटें खाली हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं। तो इन तमाम तरह के चीज़ों को देखते हुए जब सीटों का कैलकुलेशन किया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि बीएससी एजी में या अन्य तरह के कोर्सेज में खाली सीटें कितनी हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। वहीं पर अगला अगर सवाल लें तो विवेक कुमार जी औरंगाबाद बिहार से जानना चाहते हैं कि सर एलएलबी में खाली सीटें कितनी हैं। फिर मैं आपको वही बात बताऊंगा कि एलएलबी में भी खाली सीटों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यह बात सत्य है कि खाली सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कम ही सीटें हैं, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट प्लस रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया होते होते कुछ सीटें और भी खाली हो सकती हैं। तो किसी भी यूजी के कोर्सेज में एलएलबी या अन्य तरह के कोर्सेज में खाली सीटें कितनी हैं इसका इससे संबंधित जो स्पष्ट जानकारी होगी वो बीएचयू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने पर ही पता चल पाएगा। वहीं पर सोनम सिंह झांसी उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर फी पे जो पेमेंट करने का जो मोड है वह सिर्फ ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। देखिए आपको जो फी जमा करने का जो मोड दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही दिया गया है, यानी आपको ऑफलाइन फीस जमा करने की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। तो आप निश्चित रूप से अपनी फीस को ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। वहीं पर कल्पना यादव जी मऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस में मेरा 135 नंबर है, यानी पीजी पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंडेक्स 135 है, एडमिशन क्या हो पाएगा। देखिए अभी 135 नंबर है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आप उम्मीद बनाए रखिए और लगातार आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहिए। जैसे ही अवसर मिलता है आप संबंधित प्रक्रिया करके अपना एडमिशन श्योर कर सकती हैं, यानी आपको उम्मीद बनाए रखना है, अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करना है। वहीं पर दिव्या तिवारी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर वीके में हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया क्या क्लासेस शुरू होने से पहले होता है या बाद में होता है। देखिए वीके में या किसी भी कॉलेज में हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया एडमिशन होने के बाद ही होता है। जब आप वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे संबंधित कॉलेज में, मान लीजिए कि आपका एडमिशन वीके में हुआ, तो यदि आप वीके में रिपोर्ट करेंगे तब वहाँ पर आपसे हॉस्टल लेने से संबंधित एक फॉर्म भरवाया जाएगा और वो फॉर्म जमा करने के मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर आपको हॉस्टल अलाट कर दिया जाता है यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं। वहीं पर स्नेहा साहा जी आसाम से जानना चाहती हैं कि सर मेरे पास टीसी नहीं है, क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ टीसी नहीं मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। स्नेहा जी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपका यूजी में एडमिशन हुआ है और आपके पास सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो इसे भी काम चल जाएगा। वहीं पर आकांक्षा बोकारो झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर अनुमानतः यूजी में कितनी सीटें खाली हैं। देखिए यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेस में कुछ न कुछ सीटें खाली हैं और सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट प्लस रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया के दौरान भी कुछ सीटों के खाली होने की संभावना है। इन दोनों को जोड़ करके वास्तविक स्थिति पता किया जा सकता है, चल सकता है, लेकिन इसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित जैसे ही घोषणा बीएचयू की तरफ से की जाती है सभी कोर्सेज में, यूजी के सभी कोर्सेज में खाली सीटों की संख्या भी निश्चित रूप से बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और बीएचयू द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर सभी तरह की जानकारी आपको दी है। साथ ही साथ आप बीएचयू एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं। किसी तरह का सवाल या जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।
जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।